गाइस, इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 10 साइंस 1 चैप्टर 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर की एक्सरसाइज का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस स्टेप वाइज। तो ये चार सवाल है आपके, ये चार सवाल हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे बैलेंस करना है स्टेप वाइज, बैलेंसिंग करने के लिए हम देख के भी हम ट्रायल एंड एरर से ही बैलेंस होता है, लेकिन इसके पर्टिकुलर स्टेप्स है जो आपके टेक्स्ट बुक में अंदर एक्सप्लेन किए हुए, तो उस हिसाब से उन स्टेप्स के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए पेज नंबर 34 पे है ये स्टेप्स इन बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। तो कैसे स्टेप 1 स्टेप 2 में ये टेबल बनाना है हमको, फिर आगे जो भी पूरा स्टेप्स है स्टेप 3 कैसे है, ये कैसे टेबल बनाना है ये पूरा, और फिर से वो रिपीट होता है जब तक हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं हो जाता। तो ये जो है यही स्टेप्स यूज करके हम एक्सरसाइज के चार जो इक्वेशन है उनको बैलेंस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आएगा बैलेंस में, जो फर्स्ट 7A दिया हुआ है वो है H2S2O7 plus H2O gives you H2SO4। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये है लिक्विड, ये H2O भी वाटर लिक्विड है और H2SO4 भी सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी लिक्विड होता है। तो ये पूरा जो इक्वेशन है इसको हमको स्टेप वन में क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन को कॉपी करना है या हम इनको ब्रैकेट्स को ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखिए क्या लिखा स्टेप वन, द गिवन केमिकल इक्वेशन इज H2S2O7 plus H2O gives you H2SO4। तो ये दो रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। केमिकल इक्वेशन जो होता है एरो मतलब ये दोनों को हमने एडिशन हुआ इसका, इन दोनों का केमिकल रिएक्शन हुआ तो H2SO4 बना। तो इन दोनों को जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे होगा एरो के उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और H2SO4 जो राइट हैंड साइड पे होता है एरो के उसको प्रोडक्ट्स कहते हैं। वो एक या ज्यादा हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स भी एक या ज्यादा हो सकते हैं, तो वो डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इट इज। तो सबसे पहला तो हमको सिर्फ यही है स्टेप वन, राइट द केमिकल इक्वेशन। स्टेप टू, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हर एक एलिमेंट को देखेंगे, मतलब यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन, यहाँ पे और कोई एलिमेंट नहीं, तीन एलिमेंट्स है। तो हम एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन और जितने भी हो, तीन एलिमेंट्स है चार, जितने भी एलिमेंट्स है सबका नाम लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। फिर यहाँ पे दूसरे दो कॉलम्स है वो है, एक है रिएक्टेंट एक है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो एलिमेंट के, और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स, तो ऐसा एक टेबल बनाना है। अब हाइड्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट साइड पे हम देखेंगे तो देखो ये H2 मतलब ये दो हाइड्रोजन एटम्स है और यहाँ दो हाइड्रोजन एटम्स है, टोटल हो गए चार, तो हमने यहाँ नंबर 4 लिखा। प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे हाइड्रोजन तो देखो यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे हमने नंबर लिखा 2। तो ये चार है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे दो है, तो इनको बैलेंस करना होगा, ये बैलेंस नहीं है। फिर नेक्स्ट सल्फर का देखेंगे, सल्फर में यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो वैसे हमने लिखा है। ऑक्सीजन देखो यहाँ 7 है और यहाँ 1, मतलब के टोटल 8 ऑक्सीजन एटम से लेफ्ट साइड पे एरो के मतलब रिएक्टेंट साइड पे, और यहाँ पे 4 है। तो ये हमारा टेबल बन गया। अब ये टेबल देख के हमको क्लियरली पता चल रहा है हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, सल्फर भी बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। तो अब अगर हमको बैलेंस करना है तो हम आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा है कि बैलेंस करने के लिए जो वो एलिमेंट लो जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। तो यहाँ ऑक्सीजन है जिसके सबसे ज्यादा है 8 है, तो ये 4 और 8 है। तो हम स्टेप 3 करेंगे, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो टू बैलेंस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन बोथ साइड्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ये सेकंड टाइप का टेबल है, ये फर्स्ट टाइप का टेबल आपको स्टेप 2 में बनाना है। एक तो स्टैंडर्ड टेबल होगा, उसके बाद हर एक एलिमेंट के लिए हमको टेबल बनाना होता है। तो पहला है ये ऑक्सीजन एटम्स के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए टेबल बनाएंगे। तो यहाँ देखो पहले यहाँ लिख रहे हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, टू बैलेंस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, और फिर इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे रिएक्टेंट्स कौन से, वो रिएक्टेंट्स जिसके अंदर ऑक्सीजन है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स में देखो दोनों में ऑक्सीजन है, तो ये दोनों को हम कॉपी करेंगे यहाँ पे H2S2O7 एंड H2, और इन प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन किस में, H2SO4 में, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे H2SO4। जहाँ पे एक रिएक्टेंट में है तो एक ही रिएक्टेंट लिखेंगे, दो में है तो दो, तीन में, जितना भी है, तो सारे रिएक्टेंट्स जिसके अंदर ऑक्सीजन है हमने यहाँ लिखा, सारे प्रोडक्ट्स जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो यहाँ लिखा। दूसरा क्या है अभी, इनिशियली और टू बैलेंस, मतलब इनिशियली कितना है वो यहीं से मिलेगा हमको ये टेबल से, देखो 8 ऑक्सीजन 8 है और यहाँ पे 4 है, तो ये हमने लिखा। अब बैलेंस करने के लिए कैसे बैलेंस होगा, ये 8 है या 4 है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, मतलब ये मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, मतलब क्या, H2SO4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा हमको। तो हमारा इक्वेशन जो ऊपर था वो इक्वेशन में यहाँ पे H2SO4 के पास यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये नया इक्वेशन हम लिखेंगे इस टेबल के बाद, देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स H2S2O7 plus H2, और ये 2 जो है ना मल्टीपल 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये हुआ 2H2SO4। तो ये हमारा इक्वेशन अब नया इक्वेशन बना। अब इसको फिर से चेक करना है, अभी फिर से आप हर बार टेबल ना बनाए तो चलेगा, फिर से चेक कर लो एक बार
एच टू टू, चार है यहाँ पे भी, चार है, बैलेंस हो गया। सल्फर दो है यहाँ पे भी, दो है एस, और ये टू है, टू एस है, तो ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 7+1 8 है, यहाँ पे भी 4 2 8, ये टू सबके लिए होगा है ना, तो 4 2 8, ऑक्सीजन भी 8 हो गए तो बैलेंस हो गया। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। और हमको सिर्फ फिर से रीराइट करना है इक्वेशन विद ऑल द ब्रैकेट में जो उनका स्टेट लिखा है, लिक्विड स्टेट जो भी है ये, तो वो हमको यहाँ नीचे लिख के पूरा इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेना है, ये हमारा सम कंप्लीट हो जाता है। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स इजीली कवर हो जाएंगे और ये पूरा कोर्स 6 मंथ्स में कंप्लीट होगा। हमारे जो इस दो पैटर्न्स में कोर्सेज बनाए गए, एक है स्टिमुलस कोर्स और एक है बूस्टर कोर्स। तो आपको अगर सिर्फ एक्सप्लेनेशंस की जरूरत है तो हमारे स्टिमुलस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हेल्प की जरूरत है तो हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ आप साइंस कर सकते हैं जिसमें साइंस वन साइंस टू दोनों कवर होगा। सेकेंड कोर्स है बूस्टर कोर्स जिसमें आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनना, सिर्फ डाउट क्लियरेंस करना या टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर आपको हम वीडियो पे बता दें उससे आपकी तैयारी पूरी नहीं होती, आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो ये 7A हो गया। 7B देखते हैं। अब 7B है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स यू सल्फर प्लस H2O वाटर। ये पूरा इक्वेशन जो है हमको इसको कॉपी करके लिखना है, तो सबसे पहले तो हम सेम इक्वेशन कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे स्टेप 1 से कि केमिकल इक्वेशन लिखो ये, इनको इनको हटा के। तो ये देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड ये एक्वस सोल्यूशन होता है, लिक्विड एक्वस होता है, और ये सल्फर जो है ये सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर लिक्विड। तो ये जो है हमको इनको यहाँ ड्रॉप कर देना है, हमने गिवन केमिकल इक्वेशन सिर्फ लिखा ना, बैलेंस के लिए हमको जैसे लिखना है, और फिर सेम इक्वेशन कॉपी करके स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 क्या है, राइटिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम्स लिखने। तो ये फिर से वही सेम टेबल, फर्स्ट टेबल बनेंगे स्टेप 2 का टेबल, एलिमेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स दोनों के। तो हर एक एलिमेंट यहाँ पे क्या क्या है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो एस ओ और एच हमने लिखा। अब रिएक्टेंट साइड पे सल्फर कितने, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो टोटल 2 है। प्रोडक्ट साइड पे एक है तो ये लिखा। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, ये ओ टू है तो ये 2 है, तो ऑक्सीजन 2 लिखे। यहाँ पे एच टू ओ, ओ एक ही है तो ये 1 लिखा। फिर हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे ये 2 है तो 2 लिखा, और ये भी 2 है तो ये 2 लिखा। फिलहाल हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फर और ऑक्सीजन का ये हमको करना है। तो अभी हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, सल्फर को बैलेंस करने जाएंगे। तो देखो कैसे होता है, टू बैलेंस नंबर ऑफ सल्फर एटम्स ऑन बोथ साइड्स। तो अगर सल्फर बैलेंस करने जाएंगे तो कैसे होगा, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स लिखना है हमको इनिशियली टू बैलेंस, और रिएक्टेंट साइड्स में जितने भी सल्फर वाले एलिमेंट्स है जैसे SO2 है और H2S है तो दोनों को लिखा हमने, और प्रोडक्ट्स में S है सल्फर तो ये लिख लिया। आप ऑक्सीजन से भी शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन से भी शुरू होकर ही हो सकता है, बल्कि दैट वुड बी इजियर, बट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपको फाइनली अगर स्टेप समझ में आ गए तो आपका आंसर आना ही है। तो देखो अभी सल्फर के लिए हमने यहाँ पे जो लिखा है 2 और 1 इनिशियली वो लिख लिया। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 1 है ना तो ये 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये हो गया बैलेंस, मतलब कि क्या सल्फर को 2 सल्फर कर दिया। तो इक्वेशन बिकम्स SO2 प्लस H2S गिव्स यू 2 सल्फर प्लस H2। ठीक है, फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप हम करेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप। तो अभी हम हमारा जो है बैलेंस तो सल्फर हो गया, ऑक्सीजन का भी देखना है, तो ये इक्वेशन को देख के अभी हम आगे बढ़ेंगे। जो इनिशियली स्टेप 1 वाला इक्वेशन नहीं देखेंगे क्योंकि अभी हमारा 2s यहाँ आ गया ना, जो भी आ गया है उसके साथ इसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो टू बैलेंस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हम क्या करेंगे, वही लिखेंगे SO2 और H2O। यहाँ पे SO2 में ऑक्सीजन है या H2O में, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। तो SO2 प्लस H2S तो मल्टीप्लाई बाय 2 किसके साथ हुआ, H2O के साथ। तो हमें 2S भी कंटिन्यू किया, ये 2S नीचे लिया और प्लस 2H2। अब हम देखेंगे तो अब देखो अभी यहाँ पे क्या है, सल्फर तो हमने 2-2 बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे भी 2 हो गए तो ये भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन पहले बैलेंस था, यहाँ पे ओरिजिनली आप देखोगे तो बैलेंस था 2-2 था, लेकिन अब हमको फिर से चेक करना पड़ेगा। तो सब कुछ पूरा जब स्टेप के बाद ये टेबल के बाद जो इक्वेशन आता है उसको हर एक के लिए चेक करना होता है। तो अब देखो सल्फर ऑक्सीजन बैलेंस लेकिन H2O H2S और यहाँ पे 2H2, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हो गए, तो अब मतलब हमारा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हमको हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, यहाँ पे H2S मतलब 2 है और यहाँ 2H2O है ना तो ये 4 है, बैलेंस करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, मतलब H2S के आगे 2 आएगा। तो इक्वेशन बिकम्स
SO2 plus 2H2S plus 2S plus 2H2. अब फिर से इसको पूरे को फिर से चेक करना है. सल्फर दो है, ठीक है, यहाँ पे दो है, लेकिन यहाँ पे अब देखो 2H2S के बाद ये सल्फर एक और ये सल्फर तीन हो गए, तो 2+1=3 हो गए रिएक्टेंट साइड पे, और यहाँ पे 2 है. तो अब ये बैलेंस करना पड़ेगा. ऑक्सीजन बैलेंस है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है. हाइड्रोजन अभी बैलेंस किया, 4 है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन सल्फर सिर्फ अब बैलेंस नहीं है. तो सल्फर के लिए हमको क्या करना है, वापस से इनिशियली 2 बैलेंस करके लिखना है. यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 2 को हमको क्या, तो सिर्फ सल्फर है तो इसको 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये 3 करना है. तो यहाँ पे हम बैलेंस करने के लिए इसको भी 3 कर देंगे, 2 की जगह 3 सल्फर एटम्स लेंगे. तो ये यहाँ पे इक्वेशन जो हो गया ये ऐसे बन जाएगा. अब अगर आपने यहाँ पे शुरू में ये वाले सम में SO2 plus H2S में अगर यहाँ पे दो देखो सल्फर और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं थे, हाइड्रोजन बैलेंस था. अगर आपने सल्फर की जगह ऑक्सीजन से शुरू किया होता तो ये एक स्टेप कम हो जाता. सल्फर बैलेंस नहीं करते हम, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते, तो एक स्टेप कम हो जाता क्योंकि सल्फर लास्ट में बैलेंस करना ही है. लेकिन अगर आपने एग्जाम में आपको तरीका आता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का और आपने अगर सल्फर से भी शुरू किया तो भी आप लास्ट में जाके आप इस पे आ सकते हैं. तो ये ट्रायल एंड एरर से ही होता है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होती, आप यहाँ पे ऐसे सम कर सकते हैं, तो इससे भी आपका फाइनल आंसर आ जाता है. ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन. आगे आप देखोगे इसमें पूरा बैलेंस है तो हम वो फिर वो गैस एक्वस करके ब्रैकेट्स डाल के इनके हर एक जो कंपाउंड है उसके स्टेट डाल के हम इसको पूरा केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे. तो ये हमारा फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया. फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 7C. देखो कैसे है, Ag plus HCl gives you AgCl plus H2. तो इक्वेशन दिया गया है, ये देखो 7C, ये रहा. तो ये इक्वेशन हमने सबसे पहले स्टेप 1 में कॉपी करना है. ड्रॉपिंग दीज मतलब सॉलिड एक्वस, और ये जो होता है एरो डाउन मतलब ये सॉलिड प्रेसिपिटेट बन रहा है, और एरो अप मतलब ये गैस बन रहा है. तो अलग गैस को लिखने का ये अलग तरीका भी होता है. प्रोडक्ट साइड पे हम ऐसे में लिखते हैं एरो डाउन और एरो अप से, ये सिर्फ प्रोडक्ट साइड पे ऐसे सिंबल्स आते हैं. तो पहले तो इक्वेशन कॉपी कर लिया, फिर स्टेप 2 करेंगे राइटिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड. तो क्या क्या है, Ag मतलब सिल्वर, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये HCl का ये हाइड्रोजन और क्लोरीन हमने लिखा, और ये भी वही है हाइड्रोजन सिल्वर और क्लोरीन. तो ये 3 एलिमेंट्स ये पूरे इक्वेशन में. तो हम इनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड के एटम्स लिखेंगे. सिल्वर 1 है, यहाँ पे भी 1 है. हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है. क्लोरीन यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1. तो अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो स्टेप 3 में हम टू बैलेंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स करेंगे ऑन बोथ साइड्स. तो वही टेबल बनाना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इनिशियली टू बैलेंस और रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट साइड. अब देखिए HCl जो है यहाँ पे रिएक्टेंट मतलब हाइड्रोजन लेना है, तो ये रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन इधर है और प्रोडक्ट साइड पे H2 है. तो हम ब्रैकेट में ये लिखना जरूरी है कि रिएक्टेंट में हम क्या देख रहे हैं, HCl को देख रहे हो, और प्रोडक्ट साइड में हम यहाँ पे जो है H2 को देख रहे हैं. तो यहाँ पे H2 ही आएगा क्योंकि AgCl नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट जिसके अंदर हाइड्रोजन है, राइट साइड पे भी हाइड्रोजन है. अगर हम हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे हैं तो HCl और H2 लेंगे, तो ये यहाँ पे H2 ही आएगा. तो इनिशियली HCl में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 1 है, और यहाँ H2 है मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स है. और बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, HCl को मल्टीप्लाई बाय 2. तो हम पूरा इक्वेशन सेम कॉपी करेंगे, HCl के आगे 2 आ गया. तो ये हाइड्रोजन एटम्स हमने स्टेप 3 में बैलेंस कर दिए. अब ये इक्वेशन को चेक करना है, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, Ag 1 है, सिल्वर दोनों साइड 1 एटम है, लेकिन क्लोरीन देखो यहाँ 2 है यहाँ 1 है. तो अब टू बैलेंस नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, क्लोरीन एटम्स यहाँ पे 2HCl है ना, 2HCl है, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 ही है, तो वो लिखा हमने 2 और 1. तो अब इनको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब यहाँ पे क्लोरीन यहाँ है ना, तो AgCl, तो AgCl मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब AgCl के आगे 2 आएगा. तो सेम इक्वेशन, ये प्रीवियस इक्वेशन कॉपी करना है, एकदम शुरू का इक्वेशन नहीं देखना है हमको, जो लास्ट इक्वेशन हमारा आया स्टेप में, प्रीवियस स्टेप में, ये इक्वेशन में अभी 2HCl भी रहेगा और यहाँ 2AgCl आ जाएगा. तो ये आ गया नया इक्वेशन. अब फिर से इसको चेक करेंगे. अब देखो हमने क्लोरीन को बैलेंस कर लिया, हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस किया था, H2 है बैलेंस, लेकिन सिल्वर अब यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 ही है. तो अब सिल्वर को बैलेंस करना है, तो वो सिंपल होगा, रिएक्टेंट में तो सिर्फ सिल्वर है, तो ये 1 को हमने 2 बनाना है, और यहाँ पे 2AgCl, तो ये 2 है, तो यहाँ पे खाली 2Ag आ जाएगा. 2Ag plus 2HCl gives, 2HCl gives you 2AgCl plus H2. तो ये नया इक्वेशन बन गया, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. अब इसमें सिर्फ वही है सॉलिड एक्वस एरो डाउन एरो अप जैसे क्वेश्चन में दिया गया था वो भी हमको लिख लेना है. तो ये हमारा थर्ड सम भी सॉल्व हो गया. अब लास्ट सम देखते हैं 7D. ये देखो
NOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू सोडियम सल्फेट प्लस H2O. तो ये इक्वेशन को हमको पहले कॉपी करना है. तो स्टेप वन क्या होगा, देखो ये पूरा इक्वेशन जो दिया है हमने गिवन केमिकल इक्वेशन इस करके पूरा कॉपी किया. स्टेप टू क्या होगा, राइटिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड. तो कैसे होगा ये देखो, यहाँ एलिमेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, एक Na मतलब सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर. तो ये कितने हैं, चार. तो हमने चारों लिखा और यहाँ पे देखेंगे Na कितना है, एक. यहाँ पे Na कितने है, दो है, तो दो लिखा. ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे एक और यहाँ पे चार, मतलब पांच ऑक्सीजन है. और यहाँ पे कितने है, यहाँ पे भी चार और एक पांच, पांच है. हाइड्रोजन यहाँ एक और यहाँ दो, तीन है. यहाँ पे कितने है, H2O, एक, ये दो है ना, दो हाइड्रोजन, तो ये दो है. फिर लास्ट है सल्फर. तो सल्फर कितने है, यहाँ पे सल्फर एक है और यहाँ पे भी सल्फर एक है. तो ये हमारा स्टेप टू हो गया, पहला इक्वेशन लिखे और फिर ये टेबल बना लिए. नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमारा स्टेप थ्री हमको बैलेंस करना है. तो यहाँ पे देखेंगे बैलेंस, ऑक्सीजन तो बैलेंस है, ठीक है, सोडियम बैलेंस नहीं है. तो सोडियम से शुरू करते हैं, सोडियम बैलेंस करने को जाएंगे तो कैसे होगा, टू बैलेंस नंबर ऑफ सोडियम एटम्स ऑन बोथ साइड्स. तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इनिशियली टू बैलेंस लिखेंगे. रिएक्टेंट्स में सोडियम कहाँ है देखो, तो इक्वेशन में रिएक्टेंट में सोडियम यहाँ पे Na, यहाँ पे और यहाँ पे Na2SO4 एक ही जगह पे. तो ये ब्रैकेट में हमको इनको लिखना है, ठीक है. इनिशियली सोडियम कितना है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो ये लिखा. टू बैलेंस क्या करना है, अब हमको वन को यहाँ पे टू बनाना है इसको, तो ये मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे, मतलब NaOH मल्टीप्लाई बाय टू, मतलब दो आएगा NaOH के आगे. तो इक्वेशन जो पूरा सेम कॉपी करना है, यहाँ टू NaOH आ गया. तो ये स्टेप थ्री कम्प्लीट हुआ. अब ये इक्वेशन को देखेंगे क्या क्या बैलेंस है. सोडियम तो अभी बैलेंस किया तो वो हो गया, सल्फर एक एक है बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ दो और ये चार, छह है, यहाँ पे चार और ये एक पांच है. तो ऑक्सीजन अब बैलेंस नहीं है और हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है. देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे दो, दो चार है, यहाँ पे दो है. तो हमको हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस नहीं, तो हम दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस, आंसर सेम ही आएगा. तो अगर हमने यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन सिलेक्ट किया तो बैलेंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन बोथ साइड्स, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये 2NaOH प्लस H2SO4, तो दोनों को लिखेंगे 2NaOH एंड H2SO4. और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे क्या है, H2. तो भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इनिशियली कितने है देखो, यहाँ दो है H और यहाँ पे दो है, चार, और यहाँ पे कितने, दो. तो अभी इनको बैलेंस करने के लिए क्या बनना पड़ेगा, ये चार है तो इसको चार बनाने को ये मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे, मतलब H2O के आगे टू आएगा. तो सेम प्रीवियस इक्वेशन कॉपी करना है, मतलब 2NaOH रहेगा और यहाँ पे 2H2O आ जाएगा. अब ये इक्वेशन को देखेंगे, ये इक्वेशन में क्या है, सोडियम बैलेंस्ड है, दो दो है ना, फिर ऑक्सीजन यहाँ दो और ये चार, छह, यहाँ पे भी ऑक्सीजन चार और दो छह, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन दो और दो चार और यहाँ पे भी हाइड्रोजन चार, और सल्फर यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक. तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड, सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड. तो ये हमारा इक्वेशन, फिर से हम कॉपी करेंगे सेम ये इक्वेशन विद द ब्रैकेट्स जो क्वेश्चन में दिया है, एक्वस एक्वस लिक्विड जो भी है वो हम कॉपी करके लिख लेंगे. तो ये हमारे इक्वेशंस बैलेंस हो जाते हैं. तो ये स्टेप वाइज एक बार आपने स्टेप समझ लिए तो उसके बाद आपके लिए इस प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. अगर कोई डाउट क्वेरी है तो आप श्योरली हमें बता सकते हैं. अगर इसके लिए आपको और डिटेल्ड लेक्चर भी चाहिए तो हम जो फ्री लाइव लेक्चर रखते हैं तो उसके लिए हम ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस का एक फ्री ऑनलाइन लाइव लेक्चर रख सकते हैं जिसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, जो होगा नेक्स्ट वीक. तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए और ये जो है ये नंबर पे आप कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं. थैंक यू. सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स.